श्री शिवाय नमस्ते हरहर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कल से सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इस सावन महीने का पहला दिन ही सोमवार का दिन पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों पूज्य गुरुजी ने कहा है सावन महीने के पहले दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस दिन मात्र आपको अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मात्र यह एक चीज चढ़ा देनी होगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है आपके जीवन की जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी वह सारी समाप्त हो जाएंगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है, यानी कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और आर्थिक संकट हैं उन सभी को समाप्त करने वाला है। इसीलिए गुरुजी ने बताया है जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं ज्यादा रहती हैं, आप लोगों के जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन वह कहीं गलत जगह पर खर्च हो जाता है, यानी कि कहीं बीमारियों में खर्च हो जाता है या कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है सावन महीने के पहले दिन यानी कि सोमवार के दिन 22 जुलाई सावन महीने के पहले सोमवार के दिन मात्र आपको यह पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में धन की ऐसी प्राप्ति होगी, यानी कि इस उपाय के माध्यम से आपको आपके जीवन में फिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। यह उपाय आपको आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति करवाने वाला है जो कि आपके जीवन में एक बार प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी और हमें हमारे जीवन में धन हमेशा प्राप्त होता रहेगा और वह कभी भी अनावश्यक कार्यों में खर्च नहीं होगा, यानी कि यह जो धन है जो हमें हमेशा सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको सावन महीने के पहले दिन यह वाला उपाय करने से तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो हम आपको तीन महा उपाय बताने वाले हैं और इन तीनों उपायों में से जो दूसरा वाला उपाय है वो तो बहुत ही ज्यादा खास है, इसको आपको करने से चूकना नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और बेलपत्र को लेते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको दो तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और दोस्तों इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह वाला उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाना है, यानी कि आपको जहाँ से जलाधारी का जल गिरता है उसके ठीक विपरीत की तरफ खड़े हो जाना है, जैसा कि आपको वीडियो में एक एरो करके दिखाया जा रहा है। इसी स्थान पर आपको खड़े हो जाना है और उसके बाद दोस्तों आप अपने साथ जो दो लोटे जल लेकर के आए थे उन दोनों लोटों को जल का आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर एक साथ ही समर्पित कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और जल समर्पित कर देने के बाद में आपको एक पात्र के अंदर जो जलाधारी से बहता हुआ जल आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा उस पात्र के अंदर ले लेना है और जल समर्पित कर देने के बाद में आप जो अपने साथ एक बेलपत्र लेकर के आए थे वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग को समर्पित कर देनी है। और बेलपत्र समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है उसकी जो डंडी का भाग है वो आपको अपनी साइड ही रखना है और आपको पति का भाव अपने से विपरीत तरफ रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग को समर्पित कर देनी है और दोस्तों इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और आपको अपनी जो भी मनोकामनाएं विशेष मनोकामनाएं वो आपको भगवान भोलेनाथ से बोल देनी है और दोस्तों फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। और दोस्तों आप अपने साथ जो थोड़ा सा जल लेकर के आए थे अपने लोटे में अंदर से जो जलाधारी से बहता हुआ आया था उसे आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है, यानी कि छीट देना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के माध्यम से आपकी कोई भी विशेष से विशेष मनोकामना होगी जो भोले बाबा की कृपा से कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय तो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों यह उपाय विशेषकर आपकी जीवन की सारी धन की समस्याओं को समाप्त करने वाला है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी समीपत्र ले लेनी है और इन तीनों ही सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है अपने घर के गमले के पास में। तो देखिए दोस्तों, आपको गमले के पास पहुंचने के बाद देखिए दोस्तों विशेष करके आपको ध्यान रखना है यह उपाय आपको तुलसी जी के गमले में नहीं करना है, अन्य आप कोई भी अपने घर का गमला यूज कर सकते हैं लेकिन आपको तुलसी जी के गमले में यह वाला उपाय नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने घर के पास में जिस भी गमले के पास में पहुंचे उसी गमले में आपको छोटी सी एक शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, जो भी मिट्टी की शिवलिंग आप बनाएंगे उसका आपको निर्माण कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, उस गमले के अंदर जो आपने शिवलिंग निर्माण की है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और आपको थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा लेना है। तो दोस्तों आप अपने साथ जो एक समीपत्र लेकर के आए थे वो आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और आप अपने साथ जो एक बेलपत्र लेकर के आए थे वो भी आपको
आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और दोस्तों आपको वहीं पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी से अपने जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्या उन सभी को दूर करने के लिए कम से कम 15 मिनट प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट प्रार्थना कर लेने के बाद में आपको इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। विसर्जन आपको कैसे करना है, आप जो जल के पात्र के अंदर आपने जो जल बचाया था उसी से आपको इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय करने से माध्यम से आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं वो सारी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो कि आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं आने देंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। आपके जीवन में अगर कोई बड़ी से बड़ी रोग की समस्या है तो वो सारी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको 5 या 7 काली मिर्च ले लेनी है और इसी के साथ में आपको 5 या 7 लौंग ले लेनी है। और दोस्तों इन तीनों ही सामग्री को लेकर के आपको सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको ये तीनों ही सामग्री अपने सीधे हाथ में ले लेनी है। दोस्तों सीधे हाथ में ले लेने के बाद में आपको 11 बार 21 बार या 51 बार या 108 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का वहीं पर बैठ करके स्मरण कर लेना है। यानी कि आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का वहीं पर बैठ करके जाप कर लेना है। तो दोस्तों 108 बार जाप कर लेने के बाद में आपको ये तीनों ही सामग्री भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। तो दोस्तों ये तीनों ही सामग्री समर्पित कर देने के बाद में आपके जीवन में रोग मुक्ति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ऐसी आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेनी है वहीं पर खड़े होकर के। और फिर दोस्तों आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है ये तीनों ही उपाय कर लेने के माध्यम से आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या कोई नहीं रहेगी, आपके घर में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों सावन महीने के पहले सोमवार के दिन आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय, नमस्ते, हर हर महादेव।